दारक नयनार एक शिव भक्त थे और शिव भक्तों के लिए किसी से भी लड़ सकने में सक्षम थे। एक बार एक ब्राह्मण शिव भक्त फूलों को लेकर शिव पूजा के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी वहां से एक हाथी राजा के सैनिकों के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उस समय राजा अपने महल में था। वह हाथी बहुत ही करूर था, उसने कई हाथियों की जान ली थी। वह हाथी ब्राह्मण को देखकर उसकी ओर बढ़ा और उसके फूलों को अपनी सूंड में लेकर फेंक दिया। सैनिक हंसने लगे और ब्राह्मण दुखी हुआ। आज ब्राह्मण की पूजा का नियम जो टूटा था, यह देखकर दारक नयनार अपने परिचय को लेकर वहां पहुंच गया। ब्राह्मण से सारी बात सुनकर उन्होंने कुछ ही पलों में हाथी को मार गिराया। जब सैनिक लड़ने आगे बढ़े तो वह भी मारे गए। राजा को जब पता चला तो वो गुस्से में अपनी तलवार लेकर वहां पहुंच गया। पर शिव भक्त के प्रति अपमान जानकर उसे अपने पर खेद हुआ। फिर राजा ने दारक को तलवार दी और उसे भी मार डालने को कहा। यह देखकर दारक को अफसोस हुआ कि वह राजा की शिव भक्ति के प्रति अनजान था, इसलिए अपनी गलती जानकर उसने उस तलवार से खुद को ही मारना चाहा। भगवान शिव दोनों की भक्ति से प्रसन्न हुए और दोनों को दर्शन देकर सारे सैनिकों को हाथी सहित फिर से जीवित कर दिया।